आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि चावल खाने के बाद उन्हें नींद आने लगती है। कुछ लोगों को पूरी खाने से तो बहुत से लोगों को मटन खाने से नींद आने की शिकायत रहती है। ये शिकायत खालिस हिंदुस्तानी हो ऐसा भी नहीं है, विदेशों में भी बहुत से लोग कुछ चीजें खाकर नींद आने की शिकायत करते हैं। जैसे वहाँ बनने वाला टर्की नाम परिंदे का व्यंजन जो है वो खाकर अक्सर लोग नींद आने की शिकायत करते हैं। तो आखिर क्या माजरा है, क्या वाकई कुछ खास चीजों को खाने पर हमें नींद आने लगती है? आज के हेलो डॉक्टर में इसी पर बातचीत करेंगे। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, मेरा नाम खुशबू कुमार है और आप सुनना शुरू कर चुके हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर, जहाँ बात होती है हमारी और आपकी सेहत की। तो कुछ लोग दोपहर में भी खाना खाने के बाद भयंकर नींद की शिकायत करते हैं। उन्हें सुस्ती महसूस होती है और इस कदर सुस्ती होती है कि काम करना मुश्किल हो जाता है। कॉरपोरेट सेटअप में तो इस तरह दिन में सुस्ताना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पर प्रॉब्लम यह है कि दोपहर में खाना खाकर इतनी ज़्यादा नींद आती है कि आँख खोलना मुश्किल हो जाता है। काम करना तो दूर की बात है। कुछ लोग थककर दोपहर में खाना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इससे बचने के क्या तरीके हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज के एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। तो डॉक्टर आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बैंगलोर के फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट है। स्वागत है डॉक्टर आदित्य आपका आज तक रेडियो पर। धन्यवाद डॉक्टर आदित्य। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, जैसे कई चीज़ें होती हैं, लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें, जैसे कि मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि चावल खाने से नींद आती है, पूरी से नींद आती है, किसी को मछली चावल खाने के बाद नींद की शिकायत करते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये माजरा है क्या, मतलब क्या कुछ खास चीज़ों को खाने से ही हमें नींद आती है? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कई चीज़ों से खाने के बाद नींद ज़्यादा आती है। जैसे हाई फैट फूड डाइट जब होता है, जब हमारे डाइट में हाई फैट फूड के कंटेंट बढ़ जाती है, तो ये पोस्ट मील स्लीप या पोस्ट मील टायर्डनेस को बढ़ाती है। और दूसरी कॉमन चीज है हाई कार्बोहाइड्रेट मील, उनको लेने से भी यू कैन फील अ वेरी वेरी हाई सेंस ऑफ स्लीपीनेस आफ्टर द मील, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डाइट्स की बात करें, जैसे आपने कही अभी पूरी कही, तो डेफिनेटली पूरी इज अ हाई फैट मील, तो वो जाहिर है कि वो थोड़ी सी ड्राउजीनेस कॉज कर सकती है मील के बाद। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक फूड्स की बात करें, जैसे एक अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफैन, जो ये ब्रेन के स्लीप प्रोसेस को ट्रिगर कर देती है, तो फिर जब हम ट्रिप्टोफैन से रिच फूड लेते हैं तो उनसे ये बहुत ये हम डीपली देख सकते हैं कि पीपल टेंड टू गेट इट मोर स्लीपी आफ्टर ईटिंग, ठीक है। तो फिर अगर ट्रिप्टोफैन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाया जाए तो इनका असर भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली और थोड़े फूड्स के मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे होगा मिल्क, जैसे हो गया बनाना, ओट्स और चॉकलेट भी। और आखिरी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जो नट्स हैं वो जो रिच होते हैं मेलाटोनिन में, जैसे वॉलनट्स है, पिस्ताज हैं और दूसरे अदर टाइप्स ऑफ नट्स हैं, ये होते हैं, ये इनमें मेलेटोनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो सबको पता ही है कि मेलेटोनिन हैज एन एक्सर्शन ऑन स्लीप ऑफ आवर स्लीप पैटर्न, तो इनको लेते ही यू इंड्यूस अ सेंस ऑफ ड्राउजीनेस आफ्टर कंज्यूमिंग दैट। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये तो सारी चीज़ें आपने बताई कि जिसकी वजह से हमें मतलब नींद आती है खाना खाने के बाद, लेकिन कई लोगों को शिकायत जो है वो दोपहर के बाद ज़्यादा महसूस होती है। दोपहर के बाद मतलब आप ये समझिए कि कई लोगों में नहीं होता, आप वही खाना खा रहे होते हैं बट वो लोग एकदम काम करने के लिए केपेबल होते हैं, लेकिन कई लोगों में ये देखा जाता है कि वो जब तक 15 मिनट का नाप ना ले लें, 10 मिनट का नाप ना ले लें खाना खाने के बाद, तब तक वो मतलब लेजनेस जो है वो रहती है, काम में मन नहीं लगता है। तो ये किस वजह से होता है खासकर दोपहर के मामले में, और ये मतलब किस तरह की कंडीशन है ये? बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। तो सबको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक बसता है और उसको हम मेडिकल टर्म्स में सर्कैडियन रिदम कहते हैं। ये हमारे सर्कैडियन रिदम जो है ये स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, और अगर इस सर्कैडियन रिदम में कोई आपत्ति आए तो दैट कैन डेफिनेटली कॉज पोस्ट प्रैंडियल सोमनोलेंस जो हम बोलते हैं, या पोस्ट प्रैंडियल स्लीपिंग, ठीक है। और ये एक अक्वायर्ड इश्यू भी हो सकती है,
जैसे लोगों के द डे प्लानिंग ऑफ द डे गोज रॉन्ग, जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग रात में काम करते हैं, कई लोग दिन में सोते हैं, और कई कबार उनके टाइमिंग्स भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब ये सब स्टार्ट हो जाता है एक एक रेगुलर बेसिस पे, तो सर्कैडियन रिदम में बहुत डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं। दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिप, स्पेशली ड्यूरिंग द आफ्टरनून नील, जो हमारा एक मेन नील होता है, और उसमें यू कैन टेंड टू फील अ लिटिल मोर स्लीपी आफ्टर इट। दूसरी चीज जो है, अगर आप प्रॉपर रिदम फॉलो कर रहे हैं लेकिन आपकी रात की नींद जो है डिस्टर्ब हो रही है, देन ड्राउजीनेस आफ्टर लंच जो है, आफ्टर ये दोपहर की जो खाना होता है वो इंक्रीज हो जाती है, और ये टेंडेंसी जो है नॉट ओनली लंच, इट कैन ऑल्सो गो इन टू अदर टाइम्स ऑफ द डे इन अप्रोप्रिएट टाइम्स, और आपको एकदम एक नींद जैसी फीलिंग हो सकती है। एक और बात कहना चाहूंगा, एक डिसऑर्डर हम देखते हैं, इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिनमें बिकॉज ऑफ ओवरवेट रात की नींद जो है, रात की नींद की साइकिल पूरी नहीं होती, और अगेन इसके बिकॉज ऑफ दिस वी गेट टू हैव अ लॉट ऑफ डे टाइम और पोस्टप्रैंडियल सोमनोलेंस। तो आपने जिस तरह की बातें बताई कि क्यों दोपहर के खाने के बाद इस तरह की कमजोरी होती है, थकान होती है कि आप काम भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारा दोपहर का मील एक्चुअली में होना कैसा चाहिए? जैसे हमें तो जैसे हम ये बचपन से सुनते आए हैं कि आप ब्रेकफास्ट जो है डू इट लाइक अ किंग, फिर आप उसको थोड़ा और कम करें लंच को, और फिर डिनर आप सबसे कम करें, तो लंच में बट एक्चुअली में क्या होना चाहिए ताकि जिस तरह की ये ड्राउजीनेस होती है, जिस तरह की कमजोरी होती है, उसे हम अवॉइड कर सकें? देखिए, पहली जो बात मैं कहना चाहूंगा, अपने लंच को ऑब्जर्व करिएगा, ईट माइंडफुली, उसके न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन को देख के परख के आप खाइए। प्लीज डोंट ओवर ईट, जितना आपको चाहिए, जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना ही खाइए। कई कबार लोग यू नो दे टेंड टू गेट अ लिटिल कैरिड अवे, दैट इज नॉट समथिंग विच वी वॉन्ट, ठीक है, क्योंकि आपको ये एक हफ्ते के लिए देख के आजमा के देखिएगा, यू विल एब्सोल्युटली सेटल डाउन, आपके जो स्लीपिंग टेंडेंसीज हैं वो भी कम हो जाएंगी, ठीक है। और इसके साथ आपको अपने नाइट के स्लीप को इम्प्रूव करना जरूरी है। आई कीप टेलिंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आफ्टरनून स्लीपिनेस को प्रिवेंट करने के लिए। रात में अवॉइड ईटिंग टू लेट एट नाइट, ठीक है, बिकॉज दिस कैन अगेन ऑल्टर द स्लीपिंग पैटर्न, इट कैन ऑल्टर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो, एंड दिस कैन कॉज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल। देखिए, अगर आपने हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसे बीमारियां हैं, तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप टाइमिंग फॉलो करें, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का एक सही यू नो प्रोटोकॉल में आप लें, और अगर आप डायबिटिक हैं तो शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू द डे। दिस अप्लाइज टू डायबिटिक्स, और जैसे आपने मेंशन किया कि नॉर्मल लोगों में हैव अ किंग्स ब्रेकफास्ट, अ प्रिंसेस लंच एंड अ पॉपर्स डिनर। ब्रेकफास्ट थोड़ी हैवी होनी चाहिए, लंच मॉडरेट एंड अ वेरी वेरी लाइट डिनर। अगर हम ये चीजें फॉलो करें, इट्स अ वेरी दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स जो हम कर सकते हैं इजिली, देन आई थिंक वी कैन प्रिवेंट पोस्टप्रैंडियल स्लीपनेस। ठीक है, और जब ये फूड कोमा होता है दोपहर के खाना खाने के बाद, जब कई लोगों को ज्यादा दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तो ये कितने दिनों तक लास्ट करता है? मतलब क्या ये परमानेंट एक तरीके से हो जाता है, या फिर अगर आप इन चीजों को थोड़ा कंट्रोल में करेंगे तो फिर वो फूड कोमा जो है वो खत्म हो सकता है, वहीं पर आप उसे नॉर्मल हो सकते हैं आप? जी जरूर, जब भी हम रेगुलेट करें इन चीजों को जिसने मैंने बताया, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिवेंट फूड कोमा फ्रॉम अकरिंग, और योर एटलीस्ट इट इज बेटर, द इंटेंसिटी डेफिनेटली इम्प्रूव्स, और ये प्रिवेंट भी हो सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन इस हैबिट को थोड़ा सख्ती से और थोड़े से सीरियसनेस से लेना है। और अगर हमने इसे सीरियसली नहीं लिया, हम लोग जैसे कई लोग ये सोचते ना कि ऐसे भी थकान हो रही है दोपहर के बाद, सो ही जाना चाहिए 15 मिनट खाना खाने के बाद, और फिर हम इसे इग्नोर करते जा रहे हैं, तो फिर आगे चलकर ये किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो हमें हो सकती है? अभी तो फिलहाल खाना खाने के बाद सिर्फ कमज़ोरी हो रही है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे दिनों तक इसको इग्नोर किया, चेकअप नहीं करवाया, कंसल्ट नहीं किया, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं?
इनसे बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहले जो है वेट पर असर पड़ जाता है और वेट के कारण बहुत से मेटाबॉलिक डिजीजेस आ सकती हैं, जैसे मैंने बताया डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं और अपना बीपी है, ओबेसिटी है। तो ये चीजें सिर्फ बढ़ती जाएंगी और उनके द्वारा बाकी के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस इट एट द स्टार्ट एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस विच आर डेफिनेटली गोइंग टू कम इफ यू डोंट टेक केयर। ये मेरा पक्का मानना है। और डॉक्टर आदित्य, एक सवाल मेरा आपसे, जैसे कि आपने बताया कि हम फूड कोमा और जो खास तरह की चीज़ें खाने के बाद जो हमें नींद आती है उसको अवॉइड करने का, उसको प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि आप फिर अपना जो खाना है उसमें तब्दीली कर दें, और दूसरा आपने कहा कि रात में अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है, आप रात में ज़्यादा देर तक खाने की कोशिश ना करें, उसकी आदत ना डालें। इसके अलावा भी और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इन दो तरीकों के अलावा जो आपने बताया, ताकि हम फूड कोमा को प्रिवेंट कर सकें? जी जरूर, दो तीन चीजें और हैं। एक जो मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप पोस्ट लंच के बाद क्विकली छोटा सा नैप लें। मैं कह रहा हूँ अप टू 15-30 मिनट्स का नैप है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट, और ये नैप आपको याद रखना है कि ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 15-30 मिनट्स और इट शुड बी 45 मिनट्स ओनली। और दूसरी चीज है, सोना अगर ऑप्शन नहीं है खाने के बाद तो थोड़ी देर बैठ के और थोड़ी देर के बाद थोड़ा वॉकिंग कर लीजिएगा, और दोपहर का टाइम है तो लाइट तो रहेगा ही, सनशाइन रहेगा, जाके थोड़ा सा सनशाइन में जाके आप वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट वी हैव अ सिमिलर इफेक्ट लाइक द इफेक्ट ऑफ अ नैप। जितना आप सो रहे उतना ही आपका इफेक्ट ये चलने से होगा ब्राइट लाइट, सो दैट यू हैव टू टेक केयर। और स्टे हाइड्रेटेड, देखिए पानी ज्यादा पीते नहीं है लोग, तो मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड। ये हाइड्रेशन ही, ये पानी ही आपको थोड़ा सा उस फटीग और टायर्डनेस से बचा पाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे आपने पानी का ही जिक्र किया तो मुझे याद आया कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो अक्सर बीच में भी पानी पीते हैं, और खाना खाने के जस्ट बाद भी पीते हैं, तो हाइड्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लंच के टाइम पे पानी पीने का क्या इंटरवल होना चाहिए, अगर वो भी आप बता दें, खाना खाने से पहले पी लें या फिर खाना खाने के बाद पी लें, तो कब पिए, और बीच में पीना पानी, खाने के बीच में पानी पीना कितना सही है? खाने के बीच में पानी पीना इतना सही नहीं होगा। देखिए खाने के पहले आप एक ग्लास पी सकते हैं और खाने के बाद थोड़ी देर बाद आपको थोड़ा सा एक या दो ग्लास पीना जरूरी है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डाइजेशन। लेकिन इन बिटवीन मील्स में इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप अपना मील फिनिश कीजिएगा, ऑप्टिमली 20 मिनट लगते हैं एक मील फिनिश करने को, ज्यादा कम भी टाइम ना ले और ज्यादा भी ना ले, और देन आफ्टर दैट अगेन हाइड्रेट योरसेल्फ, आई थिंक दैट कम्प्लीट्स अ बैलेंस्ड मील। ठीक है डॉक्टर साहब, और अब आखिर में मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिस पर लोगों का ध्यान बहुत जाता होगा पर उसको वो इग्नोर कर देते होंगे कि ये तो हर किसी के साथ होता है, ये तो दोपहर में खाना खाने के बाद नींद आना तो नेचुरल है, और ये सही बात भी है कि हर किसी को ये प्रॉब्लम शायद हो, ये भी तय नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक वार्निंग सिम्टम्स होता है जब आपको रेगुलर बेसिस पर होने लगे और फिर बाद में वो और सीवियर भी होते जाए, तो वो किस तरह के वार्निंग सिम्टम्स हैं ये फूड कोमा के, अगर आप वो भी आखिर में बताते चले? बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको ये लगे कि ये आपके रोज के एक हैबिट बन रहा है कि इमीडिएटली आफ्टर योर लंच और आफ्टर योर ईटिंग योर फीलिंग स्लीपी, तो अगर ये आपके नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, पहले प्लीज आपके फिजिशियन से जाके संपर्क कीजिएगा। डोंट अज्यूम कि सबको हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है, आपका कंडीशन दूसरा होगा, योर ट्रिगर कुड बी डिफरेंट। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगे कि ये जो है आपके लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, प्लीज पहले आपके फिजिशियन से संपर्क कीजिएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदित्य। यू वेलकम। तो ये था हमारा आज का हेलो डॉक्टर पॉडकास्ट। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें लिखकर बता सकते हैं radio@aajtak.com पर। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। धरती चौकोर नहीं गोल है,
बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।